बिल्कुल मैं डायरेक्ट कहूंगी, जो गुंडा राज चल रहा है इनको कोई भय नहीं है। अपना हक मांगना आपको गुंडाई लगता है तो आप मानिए कि हम गुंडाई कर रहे हैं, लगाइए कितना फर्जी आप मुकदमे लगाते हैं, क्योंकि अभी इस देश में बाबा साहब का संविधान खत्म नहीं हो गया, न्याय वही देगा। कि जो धर्म के ठेकेदार बैठे हुए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का रातों दिन नारा लगा रहे हैं, ऐसे क्यों ये करवा रहे हैं? आखिर कहाँ जाता है इनका प्रशासन, कहाँ गए इनके नेता? जो यहाँ पिछड़ों की आवाज़ उठाएगा, दलितों की आवाज़ उठाएगा या मानवता की बात करेगा कोई, तो निश्चित रूप से ये सामंतवादी या सामंतशाही सरकारें उनको राष्ट्रद्रोही मानती हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। अभी जिन दो शख्स को आप सुन रहे थे उनमें से एक हैं एडवोकेट मीरा भारती, जो सरदार सेना की बुंदेलखंड महिला विंग की प्रभारी हैं। दूसरे हैं मोहित भाई पटेल, जो सरदार सेना के युवा विंग के मंडल उपाध्यक्ष हैं। इन दोनों ही लोगों को 5 महीने जेल में बिताने पड़े थे, इसी वजह से सरदार सेना के लोगों ने लखनऊ में इनका सम्मान किया। आखिर इनके ऊपर राष्ट्रद्रोह की धारा लगा करके जेल क्यों भेजा गया था, ये खुद बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन पहले एक वीडियो देखिए कि आखिर ये किस तरह के कामों के लिए चित्रकूट में जाने जाते हैं। भीम नाम सत्य है, भीम नाम सत्य है, भीम नाम सत्य है, बुद्ध नाम सत्य है, बुद्ध नाम सत्य है, बुद्ध नाम आगे चलना, बुद्ध नाम सत्य है, थोड़ा दूरियां बना के, बुद्ध नाम सत्य है, या दूरियां बना के चलो, भीम नाम सत्य है, हम शर्मिंदा है, बेकाती जिंदा है, पीड़िता को न्याय दो, पीड़िता को न्याय दो, अपराधियों को फांसी हो, अपराधियों को फांसी हो। इस वीडियो में भीम नाम सत्य है, बुद्ध नाम सत्य के नारे लग रहे हैं। एडवोकेट मीरा भारती गैंगरेप पीड़िता को कंधा देते हुए दिख रही हैं। इससे आपको समझ लेना चाहिए कि आखिर ये सरकार की आंखों की किरकिरी ये लोग क्यों बने हुए हैं। मामला ये है कि 8 अक्टूबर को एक 15 साल की दलित लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आती है। 8 तारीख से लेकर के 13 अक्टूबर तक पुलिस कुछ भी कार्रवाई नहीं करती है, शायद इसलिए क्योंकि उस गैंगरेप में पहला नाम आ रहा था गांव के पूर्व प्रधान श्रीनिवास उपाध्याय के बेटे किशन उपाध्याय का और उनके दो सहयोगी सतीश और आशीष का। जब पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है तो 13 अक्टूबर को यानी कि 5 दिन बाद वो पीड़िता आत्महत्या कर लेती है। इसके बाद पुलिस प्रशासन जागता है, आनन फानन में तीनों की गिरफ्तारी की जाती है, मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, लेकिन इन सब के पीछे इन दोनों लोगों समेत तमाम सारे सामाजिक संगठनों को लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। हाथरस का कांड लोगों के बीच में चर्चा में आया, तमाम विपक्षी लोग पहुंचे, तमाम सारे सामाजिक संगठन पहुंचे, लेकिन तमाम सारे जिलों में जो इस तरह की वारदात होती हैं वहां इसी तरह के छुपे हुए हीरोज निकल करके सामने आते हैं, जो पीड़िताओं के लिए लंबी लड़ाई लड़ते हैं। निगेटिविटी से भरे हुए लोग कहते हैं कि संघर्ष से हासिल क्या होता है, लेकिन नेशनल जनमत का मानना है कि संघर्ष से हमेशा शासन प्रशासन और सरकार भी दबाव में आती हैं। इन तमाम सारे लोगों के प्रदर्शन करने के बाद करवी कोतवाली के इंस्पेक्टर जयशंकर सिंह समेत चौकी प्रभारी को आनन फानन में निलंबित किया गया, पीड़िता को थोड़ा ही सही मुआवजा देने की घोषणा की गई और उसका जब अंतिम संस्कार किया गया तो उसको जलाया नहीं गया, दफनाया इसलिए गया बाद में अगर जरूरत पड़े तो पीड़िता के शव को भी खोद करके बाहर निकाला जा सके। आगे इस वीडियो में सुन लीजिए कि इन लोगों को चित्रकूट में शासन प्रशासन और सरकार से किस तरीके से संघर्ष करना पड़ रहा है। मैं ये चाहता हूँ, हाथरस की घटना लोगों के सामने आ गई, काफी लोग वहाँ पहुंचे भी, चित्रकूट की घटना में आपने संघर्ष किया, कंधा भी दिया, मैं चाहता हूँ कि नेशनल जनमत के माध्यम से चित्रकूट की घटना लोगों के बीच में पहुंचे कि उस लड़की को आत्महत्या क्यों करनी पड़ी। पहले तो ये हुआ कि उस लड़की के साथ जो 14 वर्षीय लड़की थी, एक गरीब की लड़की थी, एक दलित परिवार की लड़की थी, उसके साथ गैंगरेप हुआ। गैंगरेप होने के बाद उसको बंधक बना के एक नर्सरी थी, नर्सरी में फेंक दिया गया। जब उसकी माँ ढूंढते ढूंढते पहुँची, पता लगाई, तो उसको पता चला कि मेरी लड़की यहाँ पर है। फिर उन्होंने खोला नहीं, उसके पिताजी को बुलाए, पिताजी को बुलाने के बाद फिर वो माँ को भेजे, वहीं पर बगल में थोड़ी दूर 1 किलोमीटर पड़ता है पुलिस चौकी, पुलिस चौकी
से जाके और दो पुलिस वालों को भेजे तो उनके सामने खोला गया बंदक। यानी इसके बाद पुलिस का क्या कहना था कि आप आरोपियों को बताइए, यानी ढूंढिए कि कौन आरोपी है, जबकि इसमें पुलिस को ढूंढना चाहिए, उसमें एक्शन लेना चाहिए। फिर इसके बाद जब वो ढूंढ नहीं पाए, चार पाँच दिन के बाद ये 8/10/2020 की घटना है। इसके बाद 13/10/2020 को लड़की लोक लज्जा की वजह से अपनी आत्महत्या के लिए फांसी लगा के ख़त्म हो गई। और इसके बाद फिर उसमें देखा जाए कि बहुत सारे लोग उसमें राजनीति करने पहुंच गए, यही लोग, जबकि तीन तीन वो मंत्री भी हैं, वहाँ से सांसद भी हैं और कई लोग वर्तमान के विधायक भी हैं, उस वहाँ देखने तक नहीं गए। और उसी दिन उनका कार्यक्रम, जो बीजेपी के सांसद हैं उन्हीं का कार्यक्रम और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का वही चित्रकूट में लगा था, पर पीड़ित परिवार के पास एक बार पूछने तक नहीं गए कि मतलब कैसे क्या हुआ। जब ऐसी घटना हम लोगों को सरदार सेना को पता चला तो मैं वहाँ गई और पूरे सरदार सेना के पदाधिकारी गए, कई पार्टी के लोग भी गए। फिर वहाँ मैं आवाज़ उठाई उस लड़की को, फिर पोस्टमार्टम करवाए। पोस्टमार्टम करवाने के बाद ज़्यादा समय हो गया था, पुलिस का दबाव पड़ रहा था, जबकि मेरे ऊपर SP और DM तक का दबाव पड़ रहा था। उन्होंने कह रहे थे 7:30 बजे का अंतिम संस्कार करो। मैंने कहा आपकी जो इच्छा आप करिए, अगर हाथरस जैसे घटना करना हो तो आप करिए, मैं नहीं कह सकती, पर मैं करने नहीं दूंगी। इसके बाद बहुत दबाव पड़ा, फिर मैं नहीं करने दी, रात भर बाड़ी के पास बैठी रही। सुबह फिर दबाव दिया गया कि ये मतलब जल्दी इसका अंतिम संस्कार करिए, उसके परिवार के, उसके बहन नहीं ना पहुँचने की वजह से। इसके बाद में हम लोग अंतिम संस्कार करवाए। अंतिम संस्कार में वहाँ जो भी मतलब गरीब परिवार है उसको हमारी मांगे थी 50 लाख रुपए और शस्त्र लाइसेंस और आवास और सुरक्षा और लाइसेंस, ये मांगे थी कि इसमें कोई एक्शन ना ज़्यादा देखने की वजह से। और हम लोग वहाँ रोड में जाम लगाए, तब पूरा प्रशासन वहाँ पहुँचा, कहा कि जो भी आपके मांगे हैं हम सुनिश्चित करेंगे और हम देंगे, कोशिश करेंगे कि हम अपनी आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाएँगे। इसके बाद मैं खुद उस लड़की को अपना कंधा देके अंतिम यात्रा, उसकी अंतिम विदाई की। इसके बाद और जो लोग हिंदू धर्म से ना करवा के उसकी अंतिम यात्रा, हम लोग बौद्ध धर्म के हिसाब से उसकी अंतिम यात्रा की, उसमें हमें बहुत जोखिम उठाना पड़ा उसको लेके, क्योंकि पूरा प्रशासन वहाँ हिल गया था। DIG तक का फ़ोन आ रहा था मेरे में, उसी को ये लोग, पूरा प्रशासन वहाँ कांप गया था। और इसके बाद वो लोग एकदम चिढ़ गए। दूसरे दिन घटना होती है रामनगर चित्रकूट में ही, रामनगर में घटना, एक लड़का डूब के ख़त्म हो जाता है। वहाँ हम जाते हैं तो जैसे जाते हैं तैसे वो क्या कहते हैं, पुलिस वाला जो पुलिस थाना प्रभारी है वो कहता है आप बिल्कुल मत बोलिए। मैंने कहा कोई संदिग्ध मैटर तो नहीं है, कैसे इसकी हत्या है? उन्हें कहा आप बिल्कुल मत बोलिए। मोहित भाई पटेल जी रहे तो उनके डायरेक्ट उनको कहे मोहित आप कभी ना बोलिए, आप इसमें बोलना ही नहीं। मतलब हमें धमकी दिया जा रहा है, एक प्रशासन वहाँ के प्रशासन से भी धमकी दिया जा रहा है कि अगर आप ऐसे करती रहेंगी तो कोई ना कोई आपके ऊपर केस लगा के और फिर जेल भेज दिया जाएगा। मेरे साथ मोहित भाई पटेल जी हैं, ये भी चित्रकूट से आते हैं और एडवोकेट मीरा भारती जी के साथ तमाम मुद्दों पर संघर्ष करते रहते हैं। स्वाभाविक है सरकार से जो सवाल करेगा वो राष्ट्रद्रोह की धारा उसको झेलनी पड़ेगी। ये भी तकरीबन 5 महीने जेल में रह के आए हैं, क्या वजह थी, क्यों लगाया गया आपके ऊपर राष्ट्रद्रोह? दरअसल बात ये थी कि लॉकडाउन लगाया था उसके कुछ दिन पश्चात वहाँ मतलब ओलावृष्टि हुई थी। ओलावृष्टि पे मतलब वहाँ गांव में जो गरीब व्यक्ति थे वो छप्पड़ छानी बना के रहते हैं, दलित बस्ती थी, तो उनका मतलब ये हुआ था कि अब बरसात आने वाली है, सरकार ना कोई मुआवजा दे रही है, उधर लॉकडाउन भी लग गया था। वहाँ एक मीडिया के भाई आए तो उनसे मतलब हमारी वार्ता होने लगी, तो मतलब हमारी बाइट लेने लगे। जब बाइट लेने लगे तो हम सरकार के खिलाफ़ खूब बोला, इसलिए बोला सरकार के खिलाफ़ क्योंकि जब मोदी जी चित्रकूट आते हैं अपने बजट में, अपने भाषण देने के लिए 60 करोड़ का बजट पास करते हैं सिर्फ 1 घंटे के लिए, और वहाँ चित्रकूट की पूरी धरती पे ओलावृष्टि इतना तेज़ी हुआ कि मतलब देखिए पूरा फसल बर्बाद हो गई थी, सिर्फ 6 करोड़ का बजट पास किया, तो इसमें हमने बोला। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता थे उनके पास ये न्यूज पहुँची, फिर उसके बाद फिर लॉकडाउन के बारे में उसने पूछा, हम बोले लॉकडाउन का हम समर्थन करते हैं, बशर्ते इस तरह नहीं कि मतलब कोई भी चीज़ हो, चाहे नोटबंदी हो, चाहे लॉकडाउन हो, अचानक कर दें, मतलब एक करने का तरीका होता है, लोगों को बता दिया जाता है, ये तो आप खुद ही कुछ सुविधा करिए क्योंकि आप सरकार पे बैठे हैं।
तो इसी सब परपज में बोला गया था कि मतलब ये आपको ऐसा लगता है कि जो सरकार से सवाल करेगा, जो पिछड़े दलितों की बात करेगा, उसके ऊपर सरकार दमनकारी नीति अपना रही है? बिल्कुल बिल्कुल। आज जो यहाँ पिछड़ों की आवाज़ उठाएगा, दलितों की आवाज़ उठाएगा या मानवता की बात करेगा कोई, तो निश्चित रूप से ये सामंतवादी या सामंतशाही सरकारें उनको राष्ट्रद्रोही मानती हैं, क्योंकि अपना हक हम पहले भी आगाह कर चुके हैं अपने चित्रकूट में, चाहे प्रशासन हो चाहे शासन हो, कि अगर हमें अपना हक मांगना आपको गुंडई लगता है तो आप मानिए कि हम गुंडई कर रहे हैं, लगाइए कितना फर्जी आप मुकदमे लगाते हैं, क्योंकि अभी इस देश में बाबा साहब का संविधान ख़त्म नहीं हो गया, न्याय वही देगा। जेल जाने के बाद हौसले पस्त पड़े हैं या फिर और ज़्यादा मजबूती से मजबूत हुए हैं? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जेल जाने से, जैसे मैं तो भगत सिंह का बहुत बड़ा फैन था, जैसे उनके एक विचार था कि मैं जेल में होने के बाद भी आज़ाद महसूस करता था, तो सेम वैसे मैं भी था। और जब मैं जेल से निकला था तो ये भी बोल दिया था कि ये जेल की बाउंड्री और भी ऊँची करवा लो, क्योंकि ये बाउंड्री हमें रोक नहीं सकेंगी। कुल मिला करके आपने दोनों लोगों की बात सुनी, स्पष्ट है कि जो बोलेगा वो मारा जाएगा या जेल जाएगा, लेकिन निश्चित तौर पर दोनों लोगों की बात सुनने के बाद समझ में आता है कि ये लोग संघर्ष करने के लिए, लड़ने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है।